फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो हिजाब हैं वो आ चुके हैं। एज यू कैन सी ये मेरे हिजाब हैं सारे के सारे, और आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारे को उठा के रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय दिस इज हाजा वकार। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो फाइनली ये वाली वीडियो थोड़ी सी मेरी लेट हो गई थी और मैं इतने दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ कि मतलब कि 8 डेज़ हो गए मुझे, तो 8 डेज़ बाद मैंने फाइनली अपनी वीडियो पोस्ट करी है। सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो लेट हो जाता है यू नो वीडियो डालने में। तो आज की वीडियो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ का बनाऊँ, एंड देन फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं इसमें अपना दिखाऊंगी हिजाब कलेक्शन। तो मैं आप सबको अपना हिजाब कलेक्शन दिखाऊंगी। देखो मेरे पास इतने सारे हिजाब तो है नहीं, बट फिर भी जितने भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग बताइएगा मतलब कि मेरा फेवरेट हिजाब कौन सा है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेरा फेवरेट हिजाब कौन सा है, ठीक है। वैसे तो सबको बताइए मेरा फेवरेट हिजाब कौन सा है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली ये है मेरे हिजाब, आप लोग देख सकते हैं ये सारे मेरे हिजाब हैं, और यू नो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी हिजाब की तरफ। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो हिजाब हैं वो आ चुके हैं। एज यू कैन सी ये मेरे हिजाब हैं सारे के सारे, और आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारे को उठा के रख देते हैं, और अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी अपनी हिजाब। सो फाइनली ये जो मेरा आता है ये ग्रीन वाला हिजाब है, यू नो प्लेन, आपने मुझे वीडियोस में भी देखा होगा पहनते हुए, तो एकदम प्लेन हिजाब है आप देख सकते हैं। और जब भी आप आई मीन की पार्टी वेयर ड्रेस पहने, यू नो हैवी ड्रेस पहने, तो आप मतलब कि प्लेन हिजाब वेयर करा करें, तो उससे आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, आप देख सकते हैं ये 2X में। और ये मतलब कि ये मेरा वाइट वाला हिजाब है, ये मेरा वाइट वाला, यू नो इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद है, आई मीन कि आप इसमें पाइपिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैंने अभी तक इसे एक भी बार वेयर नहीं करा है, बट चलो कोई बात नहीं। और फिर यू नो ये सब मेरा ब्लैक हिजाब, ये मेरा ब्लैक वाला हिजाब है। ब्लैक तो आई मीन की ऑल ओवर सब ही अच्छा लगता है, और ब्लैक तो आई मीन की आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर करते हैं तो सबके साथ ही ब्लैक तो हिजाब अच्छा लगता है। तो थर्ड यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ब्राउन हिजाब आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी कैप लगी हुई है, ये भी मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, इसमें ऑलरेडी देख सकते हैं कैप लगी हुई है ऐसे करके। और इसमें क्या करना होता है, खाली अपना फेस डाउन होता है ऐसे करके, और इधर ही आपके फेस पर आई मीन की पूरा फिट हो जाता है, एकदम फिट वाला देख सकते हैं। तो ये भी एक है, ये इसमें आई मीन क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो है ना कैप ऐड है, देखो देख सकते हैं हम लोग, इसमें ना जो कैप है ना वो ऐड है, ये इसमें कैप ऐड है, और आप देख सकते हैं इसमें पूरी कैप ऐड है, और फिर बस इसे ऊपर से भी ऐड करना होता है। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास आता है ये नो पिंक, इसमें क्या होता है, इसमें भी एक हेड कैप लगी हुई है ऐसे करके, और इसमें खाली अपना फेस डालना होता है, एज यू कैन सी इसमें अपना फेस डालना होता है, और इसे पिन से सेट करना होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है ऐसे करके। और एंड देन इसमें 2 होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये ऐसा आता है कुछ यू नो, मैं दिखा दूँ आपको शायद से दिख रहा हूँ, ये ऐसे करके आता है ऐसे, ये इसका एक फेस डालना है, और फिर उसके बाद इसमें आता है सेकेंड फेस डालने का, ये जो है इसका सेकेंड फेस। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आई इनके अच्छा नहीं लगा था, मैंने पहना था और ये इतना ज़्यादा स्लिप हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे वाला इतना पसंद नहीं आया। और सो ये वाला मैंने आई मीन की अभी ऑर्डर करा था, मतलब कि ये वाला मैंने इसका रिव्यू भी करा था, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और इसमें आई मीन की एक हेड कैप लगी हुई है, ये हेड कैप है इसमें पूरी की पूरी, तो अच्छी ज़्यादा आपका अच्छी तरीके से जो हेड होता है वो कवर हो जाता है, ये ऐसी हेड है इसमें आई मीन की हेड कैप है, और ये आई मीन की बहुत ज़्यादा इसका लेंथ भी अच्छा है आप देख सकते हैं। तो ये वाला भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, और इसकी सबसे अच्छी बात है ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, और जो लास्ट वन या लास्ट वन आपको पता ही होगा कौन सा है, तो ये वाला मुझे इतना फेवरेट क्यों है, तो सबसे बड़ी बात ये जो ये वाला मेरा हिजाब है ये इतना ज़्यादा मुझे फेवरेट है ना, मैं बता नहीं सकती। सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम ये वाला हिजाब क्यों वियर करती हो, हमेशा यही वाला क्यों करती हो वियर। तो फाइनली मैं बताना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ ही है ना, इसकी लेंथ कम्फर्टेबल है, और जो इसका फैब्रिक है आप देख सकते हैं, इसका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, थोड़ा आई मीन की आप देख सकते हैं स्लिपरी नहीं है, और आई मीन की इसमें किसी हेड कैप की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें बस फेस डालना होता है और अंदर से पहनना होता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इसमें कुछ हेड कैप नहीं पहनना पड़ता है, और ये आई मीन की मेरे लेंथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, और इसमें सबसे अच्छी बात कि मुझे कोई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये आई मीन की स्लिप भी नहीं होता है, आई मीन की कोई कोई हिजाब होता है ना, जैसे आप जॉर्जेट का यूज़ करें और या फिर किसी और फैब्रिक का हिजाब यूज़ करें, वो आई मीन हेड पे से स्लिप होता है, और हाँ वो स्लिप ना हो इसलिए हम लोग बहुत सारी पिंस लगा लेते हैं। तो मतलब कि मुझे इसमें सबसे अच्छी बात यही है, तो फाइनली मैं इसे काफ़ी साल से पहन रही हूँ ना, काफ़ी साल से 3 साल तो मुझे हो गए इसे पहनते पहनते, और ये मेरा फेवरेट
फेवरेट है, फेवरेट वाला। तो ये थे मेरे हिजाब कलेक्शन, वैसे तो और भी थे बट जो मुझे ऊपर ऊपर आइविन के जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो आइविन की कभी कभार मैं पहनना पसंद करती हूँ, तो वही वाले हिजाब मैंने शेयर करें आप लोगों से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बताइएगा किस चीज़ को ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।